होंडा कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर होंडा एक्टिवा 110 सीसी मई साल 1999 में ये स्कूटर इंडिया में लॉन्च हुआ और 2019 तक आपने इस स्कूटर की पांचवीं पीढ़ी तक देखा, मतलब कि फिफ्थ जनरेशन एक्टिवा 5G को आपने देखा। और 5G आते आते कंपनी ने इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े बदलाव किए, लेकिन अब आपको होंडा 6G जो आने वाला है इसी साल में, इसमें काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और इसको सुनने के बाद आप चौंक भी सकते हैं, और अगर आप एक मन बना रहे हैं एक स्कूटर लेने के लिए तो आप इसके फीचर्स को सुनेंगे तो आपका मन बदल सकता है। हो सकता है आप ये सोचें कि हम इसी को ले सकते हैं। यहां पर मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी लेके आया हूं जिससे आप लोग जान सकें कि आने वाले होंडा एक्टिवा 6G में क्या बड़े बदलाव किए हैं होंडा कंपनी ने। और अभी तक मैंने जो वीडियो बनाई हुई है होंडा एक्टिवा 5G के ऊपर, इसके अंदर जो मैंने कमियां बताई हुई थी, जैसे कि इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं था। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ना होने से इस स्कूटर में प्रॉब्लम ये थी कि ये स्कूटर आगे से ज़्यादा आवाज़ करता था, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा ख़राब सड़क पर चला रहे हैं तो भड़बड़ाहट की आवाज़ आती थी हेडलाइट से भी और आगे से भी आवाज़ आती थी, और पुराना होने पर काफ़ी प्रॉब्लम देता था। अगर आपने कहीं हवा ज़्यादा भरवा ली तब भी ये प्रॉब्लम देता था, लेकिन अब कंपनी ने होंडा 6G में इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देने से इसमें आवाज़ें बहुत ही कम हो जाएंगी, और आप ये मान के चलें कि इसमें हैंडलिंग पहले से काफ़ी बेहतर होने वाली है। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ कंपनी ने इसमें एलॉय व्हील भी लगा के दिए हैं, तो जिससे इस स्कूटर का लुक पहले से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने बताई जो इसके अंदर बदलाव हुए हैं, जैसे कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन या कि एलॉय व्हील, ये तो आपको बहुत सारे स्कूटर में मिल जाएंगे, तो ये कोई तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे स्कूटर में आता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा और बड़ा बदलाव है, और मैं यहाँ पर कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस टाइप की न्यूज वाली वीडियो पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो मैं सबसे बड़े बदलाव की बात कर रहा था, होंडा 6G में आपको मिलेगा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इसमें अब आपको कार्बोरेटर नहीं मिलेगा। और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगने से फ़ायदा आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास होंडा एक्टिवा ही है या कोई भी स्कूटर है और वो आपको सिटी में लगभग 40 तक की माइलेज दे रहा है, अब कंपनियां तो बहुत ज़्यादा बताती हैं लेकिन मैं यहाँ पर रियलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगभग 40 तक की माइलेज सिटी में दे रहा है तो मेरे हिसाब से ये स्कूटर जो 6G आएगा फ्यूल इंजेक्शन के साथ, यही स्कूटर आपको लगभग 50 तक की माइलेज सिटी में दे सकता है। और अगर आपको आपका पुराना स्कूटर 50 तक की माइलेज हाईवे पर दे रहा है तो इसमें आपको लगभग 60 तक की माइलेज मिल जाएगी। अब कुल मिला के कहने का मतलब मेरे यही हुआ कि लगभग आप ये मान के चलें कि 8 से 10 तक की माइलेज बढ़ जाएगी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगने से। और जब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लग जाएगा तो इंजन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, पिकअप काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी अच्छी हो जाएंगी। और जैसा कि स्कूटर में पेट्रोल टी तो होती नहीं है, तो पुराना होने पर उसमें पेट्रोल लीक करने लगता था, जैसे कि कार्बोरेटर से ओवरफ्लो होने लगता था, आप स्कूटर खड़ा करते थे सारा पेट्रोल निकल जाता था। तो ऐसे में जब होंडा एक्टिवा 6G के अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लग जाएगा, उसके पेट्रोल टैंक में फ्यूल पंप लगा रहेगा तो ओवरफ्लो होने की समस्या भी कम रहेगी, तो इससे ये स्कूटर काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसमें एक बदलाव और हो सकता है आपको मिले, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर आपको किल स्विच भी मिल जाएगी, तो काफ़ी बड़े बदलाव के साथ ये स्कूटर आ रहा है। तो यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है ये मुझे लगता है कि ये अभी आपको किसी और स्कूटर में नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि होंडा कंपनी के द्वारा ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है होंडा 6G में जो कि आने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हो सकता है इसकी प्राइस भी बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है अगर फ्यूल इंजेक्शन लगेगा तो इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब प्राइस की बात की जाए तो जितने में ये स्कूटर आता है उसमें आप ये मान के चलें कि लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये ये स्कूटर महंगा हो सकता है इस कंपनी के द्वारा, होंडा कंपनी इसके 10 से 12 हज़ार रुपये प्राइस बढ़ा सकती है, लेकिन उसमें आपको काफ़ी बेहतर फीचर्स दे रही है। और अगर ये बात की जाए कि कब तक ये स्कूटर आपको मिलने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये स्कूटर आपको लगभग अक्टूबर 2019 तक मिल जाएगा, या आप ये मान के चलें हो सकता है आपको दिवाली या धनतेरस तक ये स्कूटर मिल सकता है। तो अगर आप लेने वाले हैं तो आप वेट कर सकते हैं। आपको ये बदलाव कैसे लगे, मेरी बातों को सुन के आपका क्या मन बन रहा है, आप लोग कमेंट में अपने विचार जरूर रखें, जिससे कंपनियों को भी पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं उनके प्रोडक्ट को लेके, उनके स्कूटर को लेके आप लोग अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है, न्यूज टाइप की वीडियो पसंद है, तो आप लोग जरूर कमेंट में करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को इस टाइप की वीडियो पसंद है, तो मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।